एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग कॉर्नर विद शान। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैं हूँ महाकाल के मंदिर में एंड आपको मेरे इस वीडियो में आपको फुल महाकाल का मैं दर्शन कराऊंगी। और मोस्टली जहाँ तक अलाउड था फोन मैंने वहीं तक यूज़ किया है, तो मैं जहाँ जहाँ गई हूँ मैं वहाँ वहाँ का आपको व्यू दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो चलते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। ये आप व्यू देख रहे हो, ये हमारे होटल के जस्ट सामने का व्यू है। एंड हमने जो होटल लिया था वो बिल्कुल महाकाल मंदिर के पास में लिया था, वॉकिंग डिस्टेंस थी वहाँ से। सो हम मॉर्निंग में ही निकल गए महाकाल के दर्शन के लिए, 7 से 8 के बीच में निकले थे हम। एंड आप भी जब भी जाओ तो कोई बाउंडेशन नहीं है अभी जाने का कि इस टाइम पर जाना है। पहले क्या होता था, भस्म आरती होती थी, तो अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते थे तो मॉर्निंग में 4 बजे होती थी, उसके लिए आपको रात से ही लाइन में लगना पड़ता था 12-1 बजे के करीब में। बट अभी कोविड की वजह से वो भस्म आरती बंद है, तो दर्शन का कोई टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी जा सकते हो दर्शन के लिए। और यहाँ पे आपको दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही थी, एंड अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया है और आपको शीघ्र दर्शन की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 250 रुपये हैं, आपको स्पेशल VIP लाइन मिल जाएगी, आप उस रास्ते से जा सकते हो VIP लाइन में अपना 250 दे के। और अगर आपको नहीं 250 खर्च करना है तो आप ऐसे जनरल लाइन में भी जा सकते हो, बस थोड़ा सा ये है कि उसमें आपको टाइम लगेगा जनरल लाइन में। सो आपको यहाँ पे अपने सारे फुटवेयर्स कलेक्ट करके जमा करने होंगे, आपको टोकन मिल जाएगा और आप निकलेंगे मंदिर के लिए। और जिनको नहीं पता ये महाकाल मंदिर कहाँ है, तो ये महाकाल मंदिर उज्जैन नगरी में है, MP के उज्जैन में है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है वो, आप जब भी जाओगे आपको प्यार हो जाएगा उस शहर से, बिल्कुल आने का मन नहीं करेगा। जो सुकून और शांति होती है ना वो यहाँ पे थी, बहुत ही शांति वाला माहौल था। और ये देख सकते हो, ये हम VIP लाइन के थ्रू जा रहे हैं एंड इस तरीके से बैरिकेडिंग लगा हुआ है ताकि भीड़ ना हो। ये देखिए, और सफाई तो A1 थी, मतलब सफाई अभी तक मैंने इतनी साफ़ सुथरी जगह मंदिर के नाम पे कहीं नहीं देखी थी। वैसे भी उज्जैन और MP फेमस है सफाई के लिए, सो दिख रहा था यहाँ पे। और ये रास्ते में आपको हमारे शंकर जी के दर्शन होते हुए एंट्री लेनी थी, दीवारों पे पूरी पेंटिंग बनी हुई थी। और यहाँ पे जो भेंट देना था आपको पेटी के अंदर देना था, किसी को हाथों हाथ नहीं देना था। एंड अगर आप कम बजट में चाहते हो कहीं जाना, किसी अच्छी जगह घूमने जाना चाहते हो, तो आप उज्जैन चूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिकल प्लेस है। आप 1% के ऊपर 10,000 मान सकते हो आपका लग जाएगा, अगर आप बहुत ऊपर खर्चा करते हो तो। नहीं तो अगर आप कम में भी खर्चा करते हो तो आप इस नगरी से घूम के आ सकते हो एंड आपको महाकाल के दर्शन भी हो जाएंगे, जो हमारे अकाल मृत्यु को रोकते हैं महादेव, उनका दर्शन हो जाएगा। तो इस तरीके का रास्ता बना हुआ है और आपको इन्हीं रास्तों से होके जाना है मंदिर की तरफ। और ऊपर से व्यू देखिए आप, रास्ते में इस तरीके का एक तालाब भी बना हुआ था जो बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। और इस तालाब के किनारे किनारे ढेर सारे मंदिर बने हुए थे शिव शंकर जी के। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं तालाब बहुत ही खूबसूरत, इसमें फाउंटेन लगा हुआ था। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ उतरेंगे ये और आपको करीब दिखेगा। तो आपको इस तरीके से होते हुए जाना है, ये VIP लाइन का मैं दिखा रही हूँ आपको। सो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ उतरना है। और ये मंदिर जो है वो दक्षिण मुखी है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं शंकर जी के उनमें से ये एक है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये दक्षिण मुखी हैं, इनका जो मुख है वो दक्षिण दिशा के तरफ है, सो इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। और इनके वहाँ जाने से आपका अकाल मृत्यु भी रुकता है, तो लोग इनको बहुत मानते हैं और मैं भी बहुत मानती हूँ शंकर जी को। सो यहाँ से आप होते हुए निकलिए बाहर की तरफ। एंड इसके बाद मैं आपको ओमकारेश्वर की भी दर्शन कराऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं क्योंकि बहुत बड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। सो मैं आपको पूरे उज्जैन का दर्शन कराऊंगी, एक एक क्लिप करके मैं मतलब पार्ट में दिखाऊंगी, बिकॉज एक में अगर दिखाती हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो करके मैं आपको दिखाऊंगी। और मान्यता ये है यहाँ पे कि अगर आप महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं और ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो हम नेक्स्ट डे जो है वो गए थे वहाँ ओमकारेश्वर, जो कि उज्जैन से 150 किलोमीटर दूर है। तो आप या तो चाहो तो खुद के ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको पूरे उज्जैन में जगह जगह बने हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के एजेंसीज बनी हुई हैं, आप पर्सनल गाड़ी भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे शेयरिंग में जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। तो ये हम पहुंच गए मेन मंदिर के एंट्रेंस में और यहाँ पे पंडित जी लोगों ने हमें टीका लगाया और जलाभिषेक भी कराया शंकर जी का, जो आगे बना हुआ था उसमें। और ये देखिए यहाँ पे सारे देवता जी लोग हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, आपको देखने में ही पता चल जाएगा। बट सफाई की वजह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिख रहा था, जैसे लग रहा था अभी तुरंत तुरंत का है इस तरीके से रो। और अभी नॉर्मल डेज कोविड है, उसके बावजूद भी यहाँ बहुत भारी मात्रा में भीड़ थी। और ये हम पहुँच गए हैं अपने मेन जगह पे, और यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था बट मैंने थोड़ा, आप ऊपर LED TV में भी देख सकते हो शंकर जी को, यहाँ से आप बहुत दूर पड़ेगा, यहाँ से आपको सिर्फ नंदी के दर्शन होंगे। सो अगर आपको पूरा ये चाहिए तो मैंने यहाँ आपको शयनारती का भी वीडियो मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट में, वहाँ मैं आपको कंप्लीट महाकालेश्वर का दर्शन कराऊँगी। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना एंड आपको शयनारती के साथ साथ महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। और ये बाहर निकलने के बाद यहाँ पे और भी ढेर सारी मंदिर थे, तो ये देख सकते हैं इसका लुक कितना प्राचीन दिख रहा है, एंटिक दिख रहा है ये मंदिर। ये देखिए ये ओमकारेश्वर जी का मंदिर था जो मंदिर में स्थापित किया गया है, बट जो मेन मंदिर है वो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पे है। तो अपनी गाड़ी बुक करिए और आप एक बार वहाँ भी दर्शन करके आइए। तो इस तरीके का है, आप देखिए बाहर कितनी ज़्यादा क्राउड है एंड सब उसमें सभी लोग वहाँ पे हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे और सब एकदम लीन थे भक्ति में। बहुत ही अच्छी जगह, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये जगह। ये सप्तमेश्वर जी का मंदिर है एंड यहाँ पे हमारे हनुमान जी का मंदिर भी था। ये श्री पंडित मंदिर जी का है, पंडित जी का मंदिर है। और देखिए यहाँ पे पुजारी लोग से आप पूजा भी करवा सकते हैं, जलाभिषेक भी करवा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा उसके लिए। एंड ये देखिए ये मंदिर है हमारे ओमकारेश्वर जी का मंदिर, जो हम बाहर निकलने के बाद में मिल रहा था। और यहीं पे आपको बाहर के साइड में आपको मिल जाएगा प्रसाद काउंटर, जो कि लड्डू मिलता है और यहाँ का वो स्पेशल प्रसाद है और प्राइसिंग उसकी 30 से लेके 500 तक की है, आप ले सकते हो आपका जितना बजट हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैं एक और मंदिर गई थी, ये हनुमान जी के मंदिर में मैं दर्शन करने गई हूँ। और यहाँ पर ड्रेस कोड का कुछ वो नहीं है, अगर आप भस्मारती में जाते हो तभी आपको पुरुष लोगों के लिए धोती का है और महिलाओं के लिए आप साड़ी वेयर कर सकते हो। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर के निर्माण की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके की है कि पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो उस समय सूर्य की किरण जो थी वो धरती पर गिरी और उन्हीं से धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, उनमें से उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी उन्हीं सूर्य रश्मियों से उत्पन्न हुआ एक ज्योतिर्लिंग है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उज्जैन की पूरी धरती जो है वो ऊषर यानी कि उपजाऊ नहीं है और इसीलिए इसे शमशान भूमि भी कहा जाता है। यहाँ स्थित जो महाकालेश्वर का मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए यहाँ तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले लोग विशेष रूप से इस मंदिर में आते हैं। वैसे आप भी जा सकते हो, अगर आप तंत्र मंत्र नहीं करते हो फिर भी जा सकते हो, ऐसा कुछ मना नहीं है। महाकाल के इस मंदिर में बहुत सारे और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जिसे मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ अपने कैप्चर किए हुए क्लिपिंग में। एंड इसमें माता पार्वती, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का है। और वहाँ पे महाकाल की नगरी में उज्जैन में हर सिद्धि भगवान, काल भैरव भगवान और विक्रांत भैरव आदि देवताओं का भी मंदिर स्थापित है, जिसको मैं एक एक करके आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी, क्योंकि एक क्लिपिंग में ऐड करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने
छोटा छोटा कर दिया है। और ये सारे मंदिर हैं जो जिन देवताओं का मैंने नाम लिया, जिनका नहीं लिया उनका भी बहुत सारा इसमें छोटे छोटे मंदिर हैं। तो ये निकलते हुए भी आपको रास्ते में इस तरीके के मंदिर पड़ेंगे। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मैं ऐसे ही बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस ब्लॉग के थ्रू आपको अपने भारत के अलग अलग पार्ट्स को दिखाऊंगी, जहाँ भी मैं जाऊंगी। एंड और आपको शॉपिंग से रिलेटेड भी अगर कुछ हेल्पफुल वीडियो आइटम चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सो आप देख सकते हो, चैनल को लाइक भी कर सकते हो ताकि, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियोस को देख सको। और यहाँ पे हो रहा है रुद्राभिषेक, जो मंदिर में एंट्री जब भी आप लोगे तो वहाँ पुजारी लोग बैठे रहते हैं, वही लोग ये कराते हैं। और यहाँ से आपको निकलने का रास्ता मिलेगा। और यहाँ पे वो आप देख सकते हो मिरर में बहुत बड़े बड़े से पगड़ी रखे हुए थे, जो महाकाल के मंदिर में चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है। और इस तरीके से होते हुए आपको बाहर निकलना है। और इतना क्राउड होने के बावजूद भी इस मंदिर में बहुत शांति थी, मतलब सब बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन में थे और हर नियम कानून को फॉलो कर रहे थे। एंड अगर आप मंदिर में प्रसाद लेना भूल गए हो तो आपको बाहर भी प्रसाद का काउंटर मिलेगा, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो प्रसाद को। और ये निकलने का रास्ता है, आप एक बार ज़रूर जाना महाकाल में। एंड इसके बाद का जो है वो हम गए थे काल भैरव, मैं उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। एंड वहाँ का प्रसाद बिल्कुल ही अलग है, सो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। एंड अब जब आप गेट के बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आपको, अगर आपको शॉपिंग के लिए कुछ चाहिए या प्रसाद के रूप में ना, लोग यहाँ पे महाकाल वाली टी शर्ट्स हैं और फीमेल्स के लिए कुर्ती भी है महाकाल वाली, उस तरीके की चीज़ें आप लेके जा सकते हो प्रसाद के रूप में। और यहाँ पे धागे मिलते हैं महाकालेश्वर की, वो धागा ले जा सकते हो। ये निःशुल्क पंजीकरण केंद्र जो लिखा था यही वो काउंटर था जिसके थ्रू आपको जनरल लाइन में जाना था। एंड हम VIP से गए थे, वो मैंने आपको दिखाया। यहाँ बाहर में आपको ऑटो वाले लोग मिल जाएंगे, आपको फुल उज्जैन का दर्शन कराएंगे। सबका अलग अलग प्राइस है, बट हमने जिनको बुक किया था वो 300 में हमको फुल उज्जैन का दर्शन कराया था उन्होंने। और यहाँ देखिए आप बाहर की तरफ, आपको इस तरीके से धागे मिल जाएंगे। और बाहर निकलने का ये रास्ता है, और वो जो बाहर आपको क्राउड दिख रही है वो एंट्री रास्ता है जनरल वाली। एक भी पैसे नहीं लगेंगे उसमें, बस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल उस रास्ते से जा सकते हो।